देखिए फ्रेंड, ये है एक्सोरा का शानदार प्लांट और जो कि आपके गार्डन में इतने रंग भरता है, और कई सारे मैंने कलर्स भी इस वीडियो में दिखाए हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग भी मैं इसमें करने जा रही हूँ। और देखिए ये लगा रखा है मैंने लेमन का प्लांट, और इसको रिपोर्ट करते हुए भी दिखाया है। तो लेमन और भी कई सारे फ्रूट्स प्लांट, चीकू हो गया, अमरूद का प्लांट हो गया, इस तरह के प्लांट्स आप अपने जरूर लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं, देखिए ये अलमंडा का प्लांट, और अब देखिए वीडियो आप एंड मैं देखिए ये लेमन का जो है प्लांट रिपोर्ट करने जा रही हूँ, और बहुत अच्छा है लेमन का प्लांट है। एक प्लांट मैंने पहले रिपोर्ट किया था, अब ये दूसरा प्लांट मैं लेके आई हूँ, तो मुझे ये प्लांट भी बहुत अच्छा लगा, इसको भी मैंने नहीं छोड़ा। क्योंकि फ्रेंड ये देखिए छोटे छोटे इसमें फ्रूटिंग और भी आ रही है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग है हर जगह। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लांट है, तो इस प्लांट को मैं ले आई थी। काफ़ी सारे लेमन लगे हुए हैं इसमें, अभी मैंने गिने नहीं, कम से कम 8 से 10 लेमन लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए इधर भी लगा हुआ है, बीच में दिख नहीं रहा आपको, ये भी लगा हुआ है। तो हुआ क्या है फ्रेंड, इसका ग्रो बैग हमने निकाला और हम इसकी रिपोर्टिंग आज करने चले हैं। तो फ्रेंड ये न्यू शॉपिंग है मेरी, और दो प्लांट मैं और लेके आई थी, ऐसे ही मार्केट का चक्कर लगा था। तो ये एक्सोरा है, अभी एक्सोरा के बारे में और भी प्लांट्स आपको दिखाऊंगी, एक्सोरा की बहुत सारी वेराइटीज है। तो ये दो प्लांट लेमन का और ये पिंक कलर का एक्सोरा मैं लेके आई थी, बहुत सारे फ्लावर्स इसमें खिलते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, इसे जरूर लेकर आए। और फ्रेंड इस समय अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो देखिए इसी तरीके से अगर प्लांट अच्छा होगा तो नींबुओं से लदा मिलेगा आपको, तो ऐसे ही प्लांट को आप लेके आइए। और ये मुझे 350 का पड़ा है, क्योंकि अच्छा बड़ा प्लांट है। और फ्रेंड ये मुझे जो है 180 का पड़ा है। ये जो है एक्सोरा बहुत कॉस्टली मिलता है, देसी एक्सोरा है ये, और काफ़ी हाइट में बड़ा हो जाता है। इसमें का मेरे पास रेड भी है और भी हैं, इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो फ्रेंड इसको रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो क्या कर रहे हैं अब हम, अब ये ग्रो बैग हमने इसमें से निकाला है अभी अभी। और फ्रेंड बताया, ये सोचा कि आप लोगों को भी ये बता दें, आप रिपोर्टिंग अगर कर रहे हैं और लेमन का प्लांट आपको टेरेस पे लगाना है, तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, जो लेमन का प्लांट आप लगाएंगे वो 30 इंच से भी बड़ा गमला होगा तो बहुत अच्छा होगा। 30 इंच का गमला भी चलेगा, 25 इंच का भी चलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि लेमन अगर देखिए फ्रूटिंग ज़्यादा लेनी है और हम इसे ज़मीन में नहीं लगा रहे हैं और हम इसे गमले में लगा रहे हैं, तो आप जो ग्रो बैग ले रहे हैं या कैसा भी आप गमला ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कोई ड्रम ले रहे हैं, तो अच्छा बड़ा होना चाहिए। 30 इंच का तो कम से कम हो, और 30 इंच से ऊपर हो तो फिर तो बात ही क्या, और कहना क्या फ्रेंड। तो ये देखिए इसमें जो है लगी हुई है ये चिकनी मिट्टी, तो इस चिकनी मिट्टी में हम इस प्लांट को नहीं लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जो है मेरा प्लांट जो है खराब हो जाता है। और ज़्यादातर मेरा अनुभव है कि इसकी मिट्टी को हटा देना चाहिए। अब इसकी मिट्टी को हटाएंगे कैसे, क्योंकि अगर हम इसे किसी भी औजार के जरिए निकालेंगे, हटाएंगे, तो फ्रेंड इसकी जड़ें, रूट्स इसकी डैमेज हो सकती हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए मैंने टब भर के रखा हुआ है पानी का, और टब जो रखा हुआ है इसमें मैंने इसको डाल दिया, तो बाकी मैं और काम कर लूँगी तब तक, और इसमें इसे पड़ा रहने देती हूँ। तो इसकी क्या है कि ये मिट्टी बिल्कुल वाटर में निकल जाएगी और रूट्स बिल्कुल निकल आएंगी, फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड इसको तो हमने वाटर में डाल के रख दिया है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए और काम कर लेते हैं, और चलिए अब आ जाते हैं एक्सोरा की, जो है हम आपसे बात कर रहे थे। तो ये एक्सोरा का प्लांट है, और मुझ पे जो है 3-4 वैरायटी हैं, और देखिए कलर्स भी हैं मेरे पास। ये पिंक कलर है जो कि न्यू प्लांट में लेके आई हूँ, और ये देखिए डॉर वैरायटी में है ये हमारा एक्सोरा का प्लांट, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत सारी इसमें ब्लूमिंग होती है। और फ्रेंड ये भी पिंक कलर का है, ये लाइट पिंक है, और मैं चलिए आपको रेड भी दिखा देती हूँ, अभी रेड ब्लूमिंग नहीं कर रहा लेकिन दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा बड़े प्लांट में, बड़े पॉट में लगा हुआ है, और ये देखिए कम से कम हमारा 25 इंच का गमला होगा, बड़ा गमला है। तो फ्रेंड इसमें बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है, और इसे मैंने प्रून कर दिया था फरवरी में, तो अब इसमें बहुत ही अच्छी लीव्स आ रही हैं। और अब मैं इसको खाद दे दूंगी, आज मैंने देखिए इसे गुड़ाई करके छोड़ा है, और साथ में ये कुछ बातें भी बता रही हूँ। मेरा अगर वीडियो, आपको बीच में बोल रही हूँ, आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर पहले कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो। फ्रेंड ये देखिए हमने इसको गुलाई कर ली है, और इसमें भी इसी तरह से लीव्स होती हैं। इस समय भी आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली प्लांट होता है, और जब ये रेड खिलता है तो बहुत ही सुंदरता जो है हमारे गार्डन में फैला देता है। तो ये मेरा रेड कलर का है, बहुत ही बड़े बड़े गुच्छे में एकदम फूल आते हैं, जैसे वो पिंक आया हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े, इसकी मैंने कई बार वीडियोज़ भी बनाई हैं। तो चलिए उधर चलते हैं हम। तो
फ्रेंड इसे चलिए रिपोर्ट कर लेते हैं। और इन दो प्लांट्स को तो रिपोर्ट मैंने कर ही लिया, इसका वीडियो भी बनाया था। ये भी न्यू परचेजिंग है और देखिए बहुत अच्छी तरीके से, बारिशों में तो सवाल ही नहीं उठता अगर आपने प्लांट को बहुत बढ़िया तरीके से लगाया है, अच्छा गमला दिया है, अच्छे उसके होल्स है, अच्छा मीडिया दिया है, तो बहुत अच्छे से गमला लग जाता है फ्रेंड। तो ये दोनों तो हमारे रिपोर्ट हो ही गए हैं, आपको मैं दिखाने के लिए दिखा रही थी कि आप भी जरूर नर्सरी जा रहे होंगे इन दिनों बरसातों में, जो है नर्सरी में जरूर चक्कर लगाते हैं सभी लोग। और फ्रेंड इसकी कटिंग्स भी लगाते हैं तो इसकी कटिंग्स भी बहुत आराम से लग जाएगी, इन प्लांट्स को आप लेके भी आ सकते हैं। चलिए इसको रिपोर्ट कर लेते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। तो फ्रेंड इसे बैग में से निकाल लेते हैं और उसके बाद हमने 12 इंच का इसमें फिलहाल गमला ले लिया है, क्योंकि फ्रेंड वैसे छोटा गमला भी ले सकती थी, फिर मैं दोबारा रिपोर्ट भी नहीं करना चाहती और ये ख़राब भी नहीं होगा। आई होप बारिश हो रही है फ्रेंड और जो है भगवान की कृपा से ये ख़राब नहीं होगा, बारिश में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसे लगा लेते हैं और इसे देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसकी जड़ें हैं, तो जड़ें बहुत अच्छे से इसकी फैलती हैं, बहुत ही हार्डी और अच्छा प्लांट होता है। अगर हम इसकी बहुत अच्छे से केयर करें तो हमारे सालों साल हमारे गार्डन में ये बना रहता है। और देखिए मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया और निकालने के बाद इसकी मिट्टी को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि है तो चिकनी मिट्टी लेकिन फ्रेंड बिखरी हुई है बहुत अच्छे से, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा देती हूँ मैं इसकी, और बहुत ज़्यादा चिकनी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चिपक भी नहीं रही है ये, और ऐसा लगता है कि इसकी कटिंग कहीं इन लोगों ने और लगाई होगी और इसको हाल फिलहाल में ही प्लांट को लगाया है। तो जड़ें तो नीचे हैं ही, तो ये तो निश्चित रूप से बिखरेंगी, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी आराम से हटा लेते हैं। और फ्रेंड चलिए थोड़ा सा इसको धो भी लेते हैं, धोने में कुछ नहीं जा रहा है, पानी पास में रखा हुआ है, रिस्क नहीं मिलेगा। और देखिए मिट्टी बिल्कुल बिखरी हुई थी, वही मैं आप लोगों से कह रही थी, और देखिए ये मिट्टी पूरी इसकी आराम से निकल गई, बहुत अच्छे से इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल निकल गई। तो ये बेचने के लिए इन्होंने छोटे से बैग में और थोड़ी सी मिट्टी में इसको रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि फूल आते ही बस माली सोचते हैं कि मिट्टी भी ना देनी पड़े और बस प्लांट हमारा सेल हो जाए। फ्रेंड कोई बात नहीं, हम इसे अपने आराम से लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से 2 मिनट भी नहीं लगे पूरे और ये बिल्कुल क्लीन हो गया, और इसकी रूट्स भी नहीं आ रही हैं, ग्रोथ पे है। तो मेरा पहले से ही ये सॉइल बढ़िया बनी हुई है, बेलड्रेन है तैयार कर रखी थी मैंने, तो 1-1 भाग है, 1 पार्ट इसमें सॉइल है फ्रेंड। और सॉइल भी कौन सी है, हमारी पुरानी जो है पुराने गमलों की सॉइल है ये जो है, और वो बेलड्रेन होती है उसमें पहले से ही रिवर्स सैंड वगैरह सभी चीज़ होती है, उसके बाद भी मैंने इसमें रिवर्स सैंड और इसमें गोबर की खाद मिला ली है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें देखिए गड्ढा करते हैं, नीम खली पाउडर मिला लिया, फंजीसाइड मिला लिया, फंजीसाइड पड़ा हुआ है, और इसको बड़े आराम के साथ इस तरीके से इसे रख देते हैं। और ये देखिए रख दिया हमने, और रखने के बाद ये जो फंजीसाइड वाली मिट्टी है इसको इसी गड्ढे में डाल देते हैं। वैसे हमने मिक्स कर लिया लेकिन क्योंकि बारिश आज बहुत हुई है तो मिट्टी काफ़ी गीली है तो वो अंदर नहीं जा रहा, तो इस तरह से हमने जो मिट्टी में काफ़ी सारा फंजीसाइड लगा हुआ था उसको उसके साथ जो है गड्ढे में जहाँ हमने गमला प्लांट को लगाया है वहाँ लगा दिया है, और इसको मिट्टी को हम अच्छी तरह से दबा देंगे फ्रेंड, और हमारा ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें इस्टेब्लिश हो जाएगा और बढ़िया तरह से ग्रो करेगा फ्रेंड। तो ये हमने इस तरह से उंगलियों की मदद से फ्रेंड ऐसे लगा दिया। वैसे मैं सोचती हूँ कि मैं ग्लव्स पहन लूँ, ग्लव्स पहनती भी हूँ लेकिन ग्लव्स पहन के बढ़िया तरह से काम नहीं होता और रिपोर्टिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होती फ्रेंड। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ये जो है देखिए इसको, ये तो हो गया रिपोर्ट, और इसमें पानी की भी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी मिट्टी गीली है, काफ़ी गीली है बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा सौगी है मिट्टी, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं किस तरीके से जड़ बिल्कुल जो है इसकी रूट्स हैं बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, और मैं ये काफ़ी बड़े गमले में लगा रही हूँ। ये देखिए आप जो है, ये जो है हाइट में कम है लेकिन इसकी जो है चौड़ाई काफ़ी है, टप है ये बहुत बड़ा, जो कि इसमें मेरा कमल का प्लांट लगा हुआ था तो थोड़ा सा इसमें होल्स हो गए थे तो थोड़ा फट गया था, तो इसमें फिलहाल मैं लगा दे रही हूँ फ्रेंड, और बहुत ही अच्छी पानी की निकासी भी होगी और ये रूट प्लांट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा फिर जब ये जब आराम से ये ग्रोथ ले लेगा, और जब देखिए फिर तो चेंज करते ही हैं जब ये इसकी रूट्स फैल जाएंगी अच्छे से। तो देखिए अभी हमने जो है इसको लगा दिया और इसमें हमने खूब अच्छे से फंगीसाइड वगैरह डाल लिया, ये देखिए गड्ढे में रख दिया बिल्कुल, और बस इस मिट्टी को पहले ही इतनी अच्छी तरीके से मैंने बना रखा है और इसमें खूब अच्छे से नीम खली पाउडर वगैरह डाल लिया फ्रेंड। और आप मिट्टी देख सकते हैं, मिट्टी से पता लग रहा होगा आपको, बिल्कुल काली हो रही है, गोबर की खाद इसमें मिली हुई है अच्छे से, पुरानी मिट्टी है, कुछ इसमें नई मिट्टी का मैंने मिश्रण मिलाया है पूरा अच्छे से, तो इसमें भी 1-1 पार्ट का ही रेशो रहता है फ्रेंड। और ये देखिए बहुत अच्छे से लग गई, और बारिश का हो रहा है मौसम
तो आपको बारिश आसमान में भी दिखा देते हैं बादल। इसको अच्छी तरह से दबा देते हैं फ्रेंड, ये देखिए बिल्कुल बारिश अब होने ही वाली है, तो इसमें पानी डालने की भी इस समय जरूरत नहीं है। और एक बार 1% बारिश नहीं आई तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी, लेकिन 101% बारिश आने वाली है। काले बादल हो रहे हैं बुरी तरीके से, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा जो है प्लांट हमारा लग के तैयार हो गया। तो आप फ्रूट्स प्लांट जरूर लेकर आइए, आपकी छोटी टेरेस है या बड़ी टेरेस है, फ्रूट्स प्लांट जरूर लेकर आइए। गमले के लिए अलग से ये सब मिलते हैं, गमले में लगाने के लिए बड़े से बड़े गमले में प्लांट्स को लगाइए। बरसातों में निश्चित रूप से प्लांट होता है, खराब नहीं होता फ्रेंड। तो चलती हूँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।